जन्नत नहीं रसूल की सरकार चाहिए। सलाह पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सर जॉन का हुसैन के जानू तक आ गया। सर जॉन का हुसैन के जानू तक आ गया। जो मौत तो सौ बार चाहिए, जन्नत नहीं रसूल की सरकार चाहिए। अकबर से मुस्कुरा के ये बेशीर ने कहा, मुझको तबस्सुम आपको तलवार चाहिए। जन्नत नहीं रसूल की सरकार चाहिए। अरे असगर को तीर मार दिया, हाय क्या किया। असगर को तीर मार दिया, हाय क्या किया। बच्चा वो फूल है के जिसे प्यार चाहिए, जन्नत नहीं रसूल की सरकार चाहिए। जब तक गमे हुसैन है रहना हमें भी है, जब तक गमे हुसैन है रहना हमें भी है। हर आईने को आईना बरदार चाहिए, सरकार चाहिए। इश्क रसूल इश्क खुदा इश्क अहले बैत, इसके सिवा जो चाहिए बेकार चाहिए। सरकार चाहिए। रहमत पुकारती थी के जन्नत के वास्ते, रहमत पुकारती थी के जन्नत के वास्ते। एक हुर की तरह का भी गुनहगार चाहिए, जन्नत नहीं रसूल। फातिहा।
तुम तो अली के पोते हो, डरना
जाना मेरी जान, अल्लाह तुम्हारा हाफिज़ हो नासिर निगहबान, अल्लाह तुम्हारा हाफिज़ हो नासिर निगहबान, रहना पसंद आया ना दुनियाए जीत में, मोहसिन के साथ शौक से खेलो बहे तुम्हें, मोहसिन के साथ शौक से खेलो बहे, आखिरी दो बार, दादा जब आए कब्र में बेटा बसा मन, और देखे खूब भरा हुआ कुर्ता शहे दमन, पूछे के आ बेटे मिला अरे तुझको ये कफन, करना ये हाथ जोड़ के किसी का मेरे लिए, अरे वो न ले सका मोहताज बाप था न कफन मुझको दे सका, मोहताज बाप था न कफन मुझको दे सका, ये कह के मिट्टी देने लगे जब हुजूर हुआ, कर पावो दिल के औधे हालत हुए तबाह, ऐसा न होगा साबिरो शाकिर खुदा गवाह, एक दिल पे इतने दाग के अल्लाह की पनाह, एक दिल पे इतने दाग के अल्लाह की पनाह, तड़पा जो दिल को कल्ब पाओ सदमे भरे हुए, अलहम्द पढ़ के कब्र से बस उठ खड़े हुए, ऐ रोने वालों मक्कले। खुदा की राह में कारे नुमायां ऐसे होते हैं, तहे खंजर किए सजदे मुसलमान ऐसे होते हैं, वो प्यारी प्यारी शक्लें देख कर आले पयंबर की, वो प्यारी प्यारी शक्लें देख कर आले पयंबर की, सितारों ने कहा है चांद इंसान ऐसे होते हैं, मुसाफिर का तन बेसर है और शक्ति
कांधेरा है, मुसाफिर का तन बेसर है और शब कांधेरा है, किसी की लाश पर गे परेशान ऐसे होते हैं, कदम पर शह के दम निकला भी इब्ने मजार का, कदम पर शह के दम निकला भी इब्ने मजार का, मोहब्बत के वफा के दुपैमां ऐसे होते हैं, खुदा ही जाने दिल से क्या कहा होगा निगाहों ने, खुदा ही जाने दिल से क्या कहा होगा निगाहों ने, सकीना को खबर क्या थी के जिंदा ऐसे होते हैं, सुना कर नजम किस्सा करबला वाले शहीदों का, सुना कर नजम किस्सा करबला वाले शहीदों का, मुसलमानों को समझा तो मुसलमान ऐसे होते हैं, मार कर कुवत इस्लाम के जौहर छह माह की मुद्दत में कयामत के बराबर, नन्हे से मुजाहिद अली असगर अली असगर, नन्हे से मुजाहिद अली असगर अली असगर, मकसद था विलादत का फकत कार शहादत, ये बात हुई और किसी को न मुयस्सर, यक्का है तेरी खून में डूबी हुई तस्वीर, तारीख दिखाती नहीं ऐसा कोई मंजर, बाबा के सब अंदाज हैं दादा के तरीके, नींद आ गई रेती ते न तकिया है न बिस्तर, उलझे हुए बालों पसदा शाम शबे गम, डूबी हुई नब्जों
पसितारों की निछावर ढलती हुई गर्दन पे यदुल्लाह के बोसे सूखे हुए हाथों पे तसद्दुक लबे कौसर चितवन में छिपाए हुए अकबर की जवानी मुट्ठी में दबाए हुए सज्जाद के जौहर आँखों में छलकता हुआ मासूम तबसुम गर्दन से टपकता हुआ खून दिल मादर तारीख में है सब तेरे बचपन का सलीका तू मौत की आगोश में आया था हुमक कर जिस वक्त हुई मोहर तेरे जख्म गुलू की पूरा हुआ शब्बीर के ईसार का दफ्तर आराम से सो ऐ शबे आशूर के जागे लोरी तुझे देता है तेरा नज्म सुखनवर नन्हे से मुजाहिद अली असगर अली असगर नन्हे से मुजाहिद अली असगर अली असगर جب فرصت ملے
मगर आप कुरान मजीद की तिलावत करते हुए जगह जगह इस अमर का ख्याल रखें। कि अमर तशरीई क्या है, शरीयत ने क्या अहकाम दिए हैं, किस चीज को खबीस नजस पलीत गैर ताहिर करार दिया है, जाहिरी नजासात क्या हैं, बातिनी नजासात क्या हैं, जिस्म की नजासतें क्या हैं, रूह की नजासतें क्या हैं, अक्ल की नजासतें क्या हैं, शऊर की नजासतें क्या हैं, अदब की नजासतें क्या हैं। जब इंसान तहारत की तरफ आता है, तस्किया नफ्स की तरफ आता है, तो उसको न फकत तहारत जिस्म की जरूरत होगी बल्कि उसको तहारत रूह की भी जरूरत होगी, उसको तहारत अक्ल की भी जरूरत होगी, उसको तहारत फिक्र शऊर की जरूरत होगी। इसी तरह जाहिर को पाक करने वालों को बातिन को भी पाक करना पड़ेगा, मगर ये कि पाकी और तहारत उसी वक्त मुमकिन है जबकि नजासतें समझ में आए, जबकि नजासतें समझ में आए। अगर नजासतों का इल्म नहीं है तो इंसान दूर कैसे होगा, दूर कैसे होगा। एक बात याद रखिए, तस्किया नफ्स के लिए यह हक जो मयसर हुआ है, हासिल हुआ है कि कौन इंसानों का तस्किया करे, वही करे जो खुद मुजक्का हो, जिसका खुद तस्किया हो चुका हो। गैर ताहिर किसी नजिस को ताहिर नहीं बना सकता, जो खुद पाक नहीं है वो किसी खबीस को पाक नहीं बना सकता। इसलिए पैगंबर इस्लाम को इरशाद हुआ कि आप तस्किया करें नफूस इंसानी का, वो आप जिसका आगाज अंजाम इब्तिदा इंतहा असलाफ आबा अजदाद किसी में नजासत नाम को नहीं थी, शायब नजासत न था, उसको हुक्म हुआ। यानी मतलब ये कि वो जो मजहर तकवीन आलम है, वो जो मजहर तकवीन आलम है, वो मुजहिर शरीयत बारी भी बन जाए। जो तकवीन का आईनादार हो, जो सारी कायनात का हर्फ आखिर हो, जो हर्फ कुन हो, जो मकसद लौलाक हो, जो मानियो मकसूद खिलकत आलम हो, तकवीन में सारी कुदरतों का खुलासा हो, उसको शरीयत का मुजहिर बना दिया कि वो जाहिर भी करे शरीयत को। ये मुख्तसर दो जुमले हैं समझाने के लिए, बड़ा वक्त चाहिए। मजहर कायनात मुजहिर शरीयत कैसे होता है, कायनात में सारी कुदरतें अल्लाह ने खत्म कर दी आके इंसान पर, जमादात से रूह ले ली, नबातात से खुलासा ले लिया, हैवानात से उसकी हयात का राज ले लिया, सारी दौलतें इंसान को अता की, मवालिद सलासा के हद आखिर पर जमादो नबातो हैवान की हद आखिर पर इंसान को लाके खड़ा कर दिया, उसको हवा से खमसे जाहिरी दिए, उसको हवा से खमसे बातिनी अता किए, इल्म की तहसील की सूरतें अता की, इल्म की दौलत के लिए उसको अक्ल जैसा जौहर अता किया, और कायनात में उसको खलीफतुल्लाह फिल अर्ज बनाया, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक एक कमजोरी एक एक कोताही को दूर करते करते खिलकत के कमाल पर अहमद मुश्तबा मोहम्मद के कमाल पर वो इंसान कामिल लाया, जिसको कहा अब्दी, ये है मेरा अब्द, जिसको हमने कहा अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु,
गवाही देते हैं कि वो अब्द है और उसका रसूल है, तो वो है मजहर तकवीन। ऐसे को अपनी मशीयत का नुमाइंदा बना के मुजहिर शरीयत बनाया, मुजहिर जाहिर करने वाला, मजहर जिसमें जहूर हो रहा हो, मजहर जिसमें जहूर हो रहा हो। इरादे तकवीनी का मजहर है मोहम्मद, मगर शरीयत इलाही का मुजहिर है मोहम्मद, जाहिर करने वाला है। अब जो जाहिर, अब जो जहूर पाई शरीयत, तो उसमें हुदूद थे, उसमें हुदूद थे, उसमें मरातिब थे, उसमें लिहाजात थे, उसमें बंदगी की राहें थी। कमाल इंसानियत बंदगी है, बंदगी का राज इताअत है। इताअत की कुव्वत सारी सर्फ हो जाती है कि हुक्म को माने, नहीं पे रुक जाए, जहां अम्र आए वहां आगे बढ़ जाए, जहां मना किया रुक जाए। तो जहां अम्र नहीं की पाबंदी होती है, वहां इंसान तहारत की मंजिलों में आता है। मगर यही वो मंजिल है कि जहां बातिल से टकराव शुरू होता है। बातिल की एक ख्वाहिश होती है कि इसको नूर से हटाओ, हक की एक ख्वाहिश होती है कि इसको नूर की तरफ खींचो। अल्लाह वलीउल्लज़ीना आमनु युखरिजहुम मिनज़्ज़ुलमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफरू औलियाहुम अत्तागूत युखरिजूनहुम मिनन नूर इलज़्ज़ुलमात। ये बराबर टकराव जारी है कि अल्लाह साहिबान ईमान का वली है, अंधेरों से निकालता जाता है नूर की तरफ, और काफिर वो है के तागूत जिनके दोस्त हैं वो नूर से हटा के जुल्मत की तरफ ले जा रहे हैं। अगर आप ये मानना समझ गए तो जहमत न दूंगा कोई नूर में आके मुतमईन न हो जाए कि हम तो नूर में आ गए, वो दुश्मन जहां बैठा हुआ है वो नूर से जुल्मत की तरफ ले जाता है, वो नूर से जुल्मत की तरफ ले जाता है। आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी का मफाद ये है, अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनु युखरिजहुम मिनज़्ज़ुलमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफरू औलियाहुम अत्तागूत। जो काफिर हैं उनके दोस्त तागूत हैं, उनके औलिया तागूत हैं। युखरिजूनहुम मिनन नूर इलज़्ज़ुलमात, वो नूर से खींचे जा रहे हैं अंधेरों की तरफ। तो कोई नूर में आने वाहिद के लिए आके नाज न करे, यहां इस्तेकामत शर्त है, यहां आगे बढ़ते चले जाना शर्त है। यहां जुल्मतों से बचने के लिए रफ्तार को तेज करना पड़ता है नूर की सिमत पर, ताकि आईने दिल और रोशनी पाता जाए और मुजल्ला होता जाए। ये मकाम तस्किया नफ्स का है। मुख्तसर किस्सा यह है कि जब तक आईना आफ्ताब की तरफ न हो, आफ्ताब की रोशनी आईने में नहीं आएगी। बिल्कुल उसी तरह जब तक के ये दिल मुतवज्जह न हो मोहम्मद वाले मोहम्मद की तरफ। तस्किया व तहारत नामुमकिन है, नामुमकिन है। लिख लो, सुन लो, पढ़ लो, बिला इफ्तराक मजहब व मिल्लत और बिला इख्तलाफ फिक्र व ख्याल किसी फिरके से भी ताल्लुक सही, मगर यह जुमला याद रखो, जब तक के दिल मुतवज्जह न रहे इस घराने की तरफ, न तहारत मुमकिन है, न तस्किया मुमकिन है, न पाकी मुमकिन है। इसलिए कि जिसकी तरफ मुतवज्जे होगा इनके सिवा आईना, कहीं ना कहीं तारीकी होगी, कहीं ना कहीं जंग होगा, कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात नजर आ जाएगी जहां से नदामत शुरू होगी। और उनको अच्छा साबित करते करते इंसान अपनी अच्छाई से भी हाथ धो बैठे। अज़ीज़ान गरामी, मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत हर फिरके के लिए लाजिम है, और यही वो मोहब्बत है जो हमको मजबूर करती है कि इन दिनों में हम इस तरह से मसरूफ रहें।
क्या एतबार जिंदगी का, चले चलो चले चलो, मसरूफ रहो जब तक मसरूफ रह सकते हो। मैं भी हाजिर हूँ, जाहिर है कि आज मुहर्रम की छठी तारीख हो चुकी, सातवीं शब आ गई, चलें इसी तरह से चलें कुछ कुछ दकीकों के लिए, खारा दर भी जाएं, ईरानियान भी जाएं, कुछ वहाँ मातम हो, कुछ वहाँ मातम हो। सातवीं शब है, छठी का दिन है, आदतन एक छः महीने के बच्चे का तस्करा करते हैं, दिल चाहता है कि उस बच्चे का तस्करा करें। मालूम नहीं वो कौन सा कलेजा है जो इस गम को सुन के खामोश हो जाता है, मालूम नहीं वो कैसा दिल है जो इस मुसीबत को सुनने के बाद भी कोई एहसास नहीं रखता, एहसास को अपने जाहिर नहीं करता। बड़ा गम है, छः महीने की जान का गम। दो चार जुमले हुसैन इब्न अली बच्चे को लेकर तो आए बाहर, मगर खेमे में यह ख्याल था कि शायद अली असगर को पानी मिल जाएगा, शायद अली असगर को पानी मिल जाएगा। मगर मालूम ऐसा होता है कि मुकद्दरात अजीज अली में यह गुजर गया था कि हुसैन इब्न अली से एक और कुर्बानी का मुतालबा किया जाए, और वह कुर्बानी इतनी कामिल मुकम्मल हो कि कत्ल हुसैन इब्न अली का बाब आखिर बन जाए। चुनाचे जब हुसैन इब्न अली ने वह कुर्बानी दी तो बे अख्तियार अपना चिल्लू अली असगर के गले के नीचे रख दिया। जब चिल्लू खून से भर गया तो मुंह पे मल के कहने लगे, इसी तरह से नाना से मुलाकात करूंगा ताकि नाना जान ले कि नाना छह महीने के बच्चे का लहू मुंह पे मल के चला हूं। बच्चा तड़प गया था, बच्चा तड़प गया था। छः महीने के बच्चे का कद कितना होता है, वो हाथ पे लेटे तो कितना नजर आए बच्चा, मगर उसके लिए तीर से शोभा था, तीर से पहलू था, जहर में बुझाया हुआ तीर था। उलमाए मकातिल ने लिखा कि तीर ने बच्चे के गले को छेदा नहीं, कटा कर दिया, गले को काट दिया नन्हे से बच्चे के। तो बच्चा बाप के हाथों पर मुनकलिब हो गया, मगर अल्लाह रे सब्रे हुसैन, ये वो मंजिल है कि जिस मंजिल को आप नहीं पहचान सकते, आपको अंदाजा नहीं है कि हुसैन इब्न अली ने क्या सब्र किया। ये आखिरी जुमले हैं, रोज़े महशर जब जनाब फातिमा आएंगी मकाम अदल पर दाद तलब होकर और अर्ज करेगी कि परवरदिगार आज जहरा तेरी कनीज खास इसलिए आई है कि तुझसे अदल चाहे। आवाज आएगी, जहरा मालूम है हमको कि आज अदल का दिन है, मगर बतला तेरी क्या काहिश है। अर्ज करेगी, परवरदिगार एक मर्तबा चाहती हूं अहले महशर फिर हुसैन को देख ले। तो उलमाए मकातिल ने लिखा कि हुसैन इस आलम में नजर आएंगे कि हाथ में एक नन्हे से बच्चे को बुलंद किए हुए, और मां देख के कह रही है परवरदिगार इससे बढ़कर भी कोई जुल्म हो सकता।